नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में 1-2 का 4 करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि योगी राज में मिलावटखोरों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब अगर यूपी में मिलावट करने वालों के न सिर्फ लाइसेंस कैंसिल होंगे, बल्कि उनके खिलाफ गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को सेहतमंद बनाना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट में, इसी पर करेंगे आज 4 की चौसर। मिश्रा साहब, किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत साधुवाद मैं दूंगा इस सरकार को और योगी जी को। अब इसका ऐतिहासिक जरा परिप्रेक्ष्य देखिए। हम लोगों के गांव देहात में, भारत वर्ष में एक कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी वैदिक काल से इस चीज की मान्यता रही है, मिलावटखोरी को, मिलावट करने वालों करने वाले लोगों के लिए इस संस्कृति में कहीं कोई जगह नहीं रही है। हमारे यहाँ तो इतना जबरदस्त तरीके से ये बोला जाता था कि विचारों की शुद्धता, यानी आपके विचारों में भी मिलावट ना हो, आपके विचार भी प्योर होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, ये वैदिक कल्चर है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि उस पुराने जो है स्वर्ण युगीन वैदिक कल्चर को ये अब की बार यहाँ पे आत्मसात किया जा रहा है, इसीलिए मैंने पहली बार साधुवाद दिया। दूसरी चीज मैं आपको और देखूं, मैंने पहले ही बोला जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप ये देखिए, मेडिसिन जो दवाइयां है वो नकली मिल रही है, दूध नकली मिल रहा है, हर चीज खाने पीने की चीजें नकली मिल रही हैं, केवल और केवल कुछ प्रॉफिट के लिए। जो कमियां अभी थी, जो सजा का प्रावधान था, वो एक तो सफिशियंट नहीं थे और इम्प्लीमेंट नहीं होता था। जरा आप कैंप्रिजन करिए, ये मिलावटखोरी एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, जिसने सभ्यताओं का विनाश कर दिया। आप हिस्ट्री में जाके देखिएगा, रोमन कल्चर के विनाश का एक कारण यह था कि शीशा की मिलावट उनके खानों में बहुत ज्यादा हो जाती थी, विलफुली या मतलब जानबूझ के होती थी या अपने आप होती थी, क्योंकि वो शीशे के ग्लास का बहुत यूज करते थे। उनकी पूरी जनरेशन खत्म होती गई। अमेरिका में इतना कड़ा नियम है, 1860 में वहां पे स्विल मिल्क करके एक हुआ था जिसमें हजारों बच्चे मारे गए थे, और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जिससे हम पुताई करते हैं घरों की, वो मिला करके उस वक्त जो है दूध की व्हाइटनिंग, यानी उसके कलर को सफेद करते थे वो लोग। तो इतना उन लोगों ने झेला है। अब इसकी सजा मैं बताऊं, अभी भी जो सजा है वो टफ है, लेकिन कुछ सजा आप सुनिए। रशिया में इसकी क्या सजा है आपको पता है? जो मिलावटखोर है ना, उसको पकड़ के समाज से बाहर काला पानी दे देते हैं। उसका रीजन है कि भाई तू ऐसा आदमी समाज से बाहर रहना चाहिए, नहीं वो 10 और लोगों को सिखाएगा ये हुनर, प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में 10 और लोगों को हुनर सिखाएगा। चाइना में अभी रिसेंटली मिलावटखोरी के लिए डेथ पेनाल्टी है, सबसे बड़ा क्राइम इसको माना गया है और वैदिक काल से माना गया है। ये तो इतने दिन तक हम लोग सो गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों से यह दंश हर कोई झेलता आ रहा है, खास करके जब त्योहार नजदीक आते हैं। मिठाइयों की अगर खाली आप बात कर लीजिए, मिठाई हर घर घर में जाती है, हर त्योहार में जाती है, उस पर किस कदर मिलावट मिल्क के प्रोडक्ट में। हम आज की डेट में ये FSSAI का वो है कि 70% मिल्क प्रोडक्ट जो है अडल्ट्रेटेड है। बिल्कुल, और अफसोस की बात यह है कि ये भी बड़ा सोचने का विषय है। और जो नीचे का लेवल, उसके लिए निश्चिंत रहो, योगी जी ने बस क्या किया कि भाई जो गुंडे हैं उनका इनकाउंटर करो, तो इस पे भी वही होगा, जो पकड़े जाएंगे सख्त सजा होगी। पहले स्वागत पहले ये करें कि कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो आया, बिल्कुल, इसको लोगों ने गंभीर किसी भी सरकार ने गंभीरता से इतनी गंभीरता से इसको लिया गया, जो जो कि मतलब ये हमारी हमारे प्राचीन संस्कृति का ये अटूट हिस्सा है। मैंने 2 उदाहरण दे दिए कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और उसके बाद विचारों की शुद्धता जहां पे रखी गई हो, मापदंड हो जिस देश में, वहां पे कैसे इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। बिल्कुल, चलिए ठीक है रीता, मिलावटखोरी पर इंतजार कीजिए। आप जो कानून बना है, आप कानून बना है उसके अधीन देखना क्या हाल होता है। कोई नहीं बच पाएगा। 2-4 इंपॉर्टेंट कानून बताइए जो आपने बनाए थे, जो इतिहास में अक्षरों में लिखा जाए। एक दो मिसाल दीजिए, आप लोगों ने कौन से कानून बनाए थे? थोड़ा सब्र है सर, या नहीं मिश्रा जी? अरे आप 5 साल में कोई नतीजा नहीं दे पाए, आपको 2.5 साल में स्वर्ग बनाना होता है। आपने क्या कानून बनाया? आपने कानून ये बनाया जो थाना है वहां पे नीचे से लेके ऊपर तक यादव भर दो, यही कानून बनाया आपने। कानून ये बनाया मर्डर करके आओ पैसा दो। आपकी पार्टी के नेता है तो कुछ होने वाला नहीं है, लाठी लेके सड़क पे खड़े हो जाओ। कॉमन पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए फाइल वे में आपने क्या कानून बनाया सर? एक कानून आप मुझे बता दीजिए, एक कानून आप मुझे बताइए जो पब्लिक इंटरेस्ट में आपने बनाया, जरा बताइए। उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं का जो रिजल्ट आ रहा है उनके आंकड़े देख लीजिए, एससी एससी
अच्छी चीज है। आप अरे आप मुझे दो चार ऐसे सुधारात्मक कानून बता दीजिए ना जो आपने बनाए हो। चलिए एक मिनट मिश्रा साहब, सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाले आप भी कोई नहीं होते। एक मिनट मिश्रा, क्या रीता जी, मिश्रा जी, ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अगर कोई होता था या है तो ये मिलावटखोरी है। पूरे प्रोफेशनल वे में करते हैं, पूरा रैकेट है ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसीलिए गैंगस्टर एक्ट लगाना और इतने सख्त तरीके, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई AK-47 लेके गैंगस्टर होकर के, ऐसे भी ये जनता को मार रहे हैं और पूरे घर को ये मार रहे हैं, पूरे 100 करोड़ की जनता को मार रहे हैं। इसमें और सख्त प्राविधान, मुझे पता नहीं मृत्युदंड का इसमें प्राविधान है कि नहीं, होना चाहिए क्योंकि चाइना वगैरह अमेरिका वगैरह में ऐसे प्राविधान है, इनको सबसे सीरियस क्राइम माना गया है। साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर है।